हनुमान हट जाओ हम दो शत्रुओं के बीच में से। सुग्रीव को तो मेरे हाथों विश्वासघात का दंड तो भुगतना ही होगा। बाली, मैं तुम्हारे बल और प्रतिष्ठा का सम्मान करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ मुझे मेरी मर्यादाओं में रहने। सुग्रीव मेरा सखा है, तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। सुग्रीव पहले मेरा भाई था, परंतु अब मेरा शत्रु है, और एक शत्रु का साथ देने वाला शत्रु के समान होता है। हनुमान, मुझे तुम्हारी शत्रुता नहीं चाहिए, इसलिए तुमसे विनती करता हूँ हट जाओ मेरे सामने से। बाली, मैंने सुग्रीव की सुरक्षा का वचन दिया है, उस पर प्रहार करने से पहले तुम्हें मुझ पर प्रहार करना पड़ेगा, और मुझ पर प्रहार करने का अर्थ तुम भलीभांति जानते होगे। हाँ जानता हूँ, तुम देवताओं से वरदान पाकर अमित शक्ति के धारक बन चुके हो। तुम चमत्कारी हो, बिना किसी सहारे के आकाश में उड़ भी सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि सारे संसार में तुम में से एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरे शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सकते हो। बाली, बल के मद तथा क्रोध और शत्रुता की आग में तुम अपना विवेक खो चुके हो, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ सगे भाई की शत्रुता को समाप्त करके सुग्रीव की भूल को क्षमा कर दो। नहीं हनुमान, जब तक मैं सुग्रीव को अपने हाथों से प्राण दंड नहीं दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। बाली, मैं तुमसे एक बार फिर विनती करता हूँ, सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर लो, अन्यथा परिणाम बहुत ही भयानक होगा। वानर राज बाली अपने निश्चय के सामने किसी परिणाम की परवाह नहीं करता, इसलिए कह रहा हूं हट जाओ मेरे सामने से। नहीं बाले, वहीं रुक जाओ। बाले, जिस प्रकार तुम्हारे शत्रुओं का बल तुम्हारे सामने आने से आधा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे न्यायपूर्ण अनुरोध के सामने तुम्हारी शक्ति आधी हो गई है। यदि अब भी विश्वास ना हुआ हो तो एक बार फिर से प्रहार करके देख लो, तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। वानरराज, हनुमान की शक्ति से टकराइए नहीं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बाली, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे चरणों में समर्पित कर सकता हूं, यदि तुम एक बार मेरे सखा सुग्रीव को सच्चे हृदय से गले लगा लो। मुझे अपने स्वयं की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी शक्ति। तुम्हारी शक्ति का सम्मान करते हुए आज तो मैं यहां से जा रहा हूं हनुमान, परंतु मेरी एक बात याद रखना, मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं सुग्रीव को। तो ठीक है बाली, मैं भी तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हट जाओ। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। बाली जैसे अतुल बलशाली को आज रणभूमि से भयभीत होकर लौटना पड़ा। नहीं सुग्रीव, रणभूमि नहीं, मैं तो इसे मिलन भूमि बनाना चाहता था, परंतु लगता है विदाता ने बाली की मति हर ली है, जिसका विनाश काल निकट आता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। सुग्रीव, तुम भी मेरे साथ प्रभु से यह प्रार्थना करो कि प्रभु बाली को सद्बुद्धि दे और न्याय मार्ग पर लाए। मैं उसका भी भला चाहता हूं सुग्रीव, क्योंकि तुम्हारी तरह बाली भी मेरे भाई के समान है।